Good morning, everyone. How are you? कैसे हो आप सभी लोग? Thank you. What's again? बात करते हैं आज हमारा माइंड मस्तिष्क ब्रेन की पावर क्या होती है? What do you want for the brain? बात को बहुत गहराई से समझना। यदि आज इस बात को सीरियसली आपने समझा तो जिंदगी के अंदर एक नया कुछ साफ करने वाले वो चीज शायद आप सोच नहीं सकते हो जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं है हमारे माइंड की ताकत क्या होती है, हमारा मन होता क्या है, हमारी मस्तिष्क हमेशा एक पॉजिटिव काम करता है और मन हमेशा पॉजिटिव काम के साथ साथ कभी कभी नेगेटिव काम भी कर लेता है। यदि हम बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क ने जो भी आज तक इस दुनिया में काम किए सही काम किए और मन की यदि बात करें तो मन कभी विचार आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी थॉट्स आते हैं तो कभी चले जाते हैं। आइडियाज न्यू आइडियाज हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होते हैं। मन के अंदर मन क्या शरीर के अंदर कहीं होता है? यदि बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो मन मिलता नहीं है कहीं, ये एक आने वाला विचार होता है। ये विचार काफी बार बहुत ताकतवर होता है और काफी बार बहुत नेगेटिव होता है। डिसाइड करता है आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, क्या एनर्जेटिक हो आप। मन दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आप तो जागृत अवस्था में होते हो, जो दिन में जितनी भी दुनिया की क्रियाएं देखते हो, दिनचर्या के अंदर लेकर कहीं भी कोई प्रोग्राम में भाग लेते हो, कहने का मतलब जो जागते रहते हो उस अवस्था में जो माइंड अपना करता है कॉन्शियस माइंड, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सोते हुए भी 24 घंटे जारी करता है जो आपके विचार कल्पना में खोया रहता है। अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कहा जाता है साइंस के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है। यदि हम बात करें इफ आई कांट सेट फॉर इन सम आवर्स सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड डिफरेंट जमीन आसमान करते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो माइंड की एक बात होती है कि जब आप 50 बार ये सोचते हैं मुझे ये करना है, कोई भी काम के लिए आप सोचते हैं एक्साइटेड होते हैं और अपने आप से ये कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ये करना है और सेकेंड टाइम रिपीटेशन मुझे ये काम करना है, आप कहते हो मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे टॉपर करना है, आईएएस मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को ऑर्डर देता है, जब ऑर्डर देता है तो उस चीज के अंदर हजारों आइडियाज आपके सामने आ जाते हैं और जो आइडिया है जब आप अपने आप से पूछते हो तो रास्ता मिलता है आपको, वो रास्ता जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला होता है। लेकिन पूछने से अडैप्टिव तो सोचो कि आपने कभी पूछा है, क्या आप माइंड से पूछा है मुझे ये करना है, क्या आप सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो? आज तक इस पावर का आपको पता नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप खुद कंपेयर कीजिए किसी भी चीज के, अपने गोल्स आप सेट कीजिए, गोल्स आपसे दूर नहीं है, आपके आसपास है, बिल्कुल नियरेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी जिंदगी में होती है, हम पहचान नहीं पाते, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन होता क्या है, हम अक्सर उन चीजों को पहचान नहीं पाते। गोल्स हमारे बिल्कुल पास में होते हैं, जिसे उन गोल्स को हमने पहचान लिया उससे पूरी जिंदगी बदलती चली जाती है। एक जीवन को बदलना बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन पहले डिस्कस करो, सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। आप खुद एक बार एक रूम के अंदर हो या फिर
आप एक घर पर हो या कि जंगल में हो या फिर कहीं पहाड़ों में हो या गाड़ी पर हो या आप किसी भी जगह हो या फिर स्कूल कॉलेज या फिर आप किसी भी जगह हो, कोई प्रोग्राम में हो, सेमिनार में हो, कहीं पर भी हो, आप अपने माइंड को सिग्नल दीजिए, संकेत दीजिए। संकेत क्या होता है? संकेत ऑर्डर दीजिए कि मुझे ये काम करना है। उस काम के प्रति आप 50 बार सोचो ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मान लीजिए बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। सुबह से शाम तक उस चीज को 50 बार बोलो, रिजल्ट शो होंगे आपके सामने। एक रिजल्ट नहीं, 5-5 रिजल्ट होंगे। क्या आप कोशिश करते हो? ये चीज है, कोशिश करो जब आपके सामने रिजल्ट। जो ये माइंड की बात करें ना आप, तो एक पेड़ होता है उसकी ब्रांचेज की तरह होता है, जो टहनी होती है ना माइंड के, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट्स होते हैं वो सारा अलग अलग फैला हुआ होता है। साइंस के लिए जिसमें 90 से लेकर 110 तक जिसका आईक्यू होता है उसको सामान्य बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है। ज्यादा और साइन यदि 110 से लेकर ऊपर 120 उसको थोड़ा मसाली के नाम से जाना जाता है। और एक आईक्यू की बात कर रहा हूं, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटिटी। आप कोई भी चीज को कंपेयर करके देखो, साइंस ये कहती है कि संसार के अंदर माइंड सभी के अंदर बराबर होता है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान में जो माइंड होता है, ब्रेन पावर होती है, सभी की बराबर होती है। लेकिन उसका यूज करने का टेक्निक, टैलेंट, क्वालिटी वो डिफरेंट होती है। मान लीजिए बिजनेसमैन इंसान है तो बिजनेस के सेक्टर में अपने माइंड को यूज करेगा, एक स्टूडेंट है तो अपने